Hello and welcome to Prime. The Congress and the BJP today agreed on extending the winter session of Parliament by 3 days to discuss the Lokpal. This, however, seemed the only point of agreement through the day as the government adopted an aggressive stand saying the bill was good and would be effective. The BJP and Team Anna, however, could not be more opposed. हम किसी के direction पर काम करें. हम संवेदनशील हैं. आम जनता के किसी भी समुदाय किसी भी गुट की ओर से और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से जो भी प्रस्ताव आए उन पर विचार हुआ है जो उचित समझे गए हैं उनको हमने रखा है और मैंने बार बार कहा है कि उनके प्रस्ताव के लिए हम सब आभारी हैं कि उनके सहयोग से हमने एक अच्छा बिल बनाया है. अब उसका वो श्रेय नहीं लेना चाहते तो हम उसमें क्या कहें, हम जबरदस्ती तो किसी को श्रेय नहीं दे. इफ द सीबीआई इज नॉट इंडिपेंडेंट टूडे सीबीआई इज बींग यूज एंड अब्यूज्ड by the Congress in such a way that its credibility has gone down and people call it Congress Bureau of Investigation. And if the CBI's independence is not there in the bill, it will be the great betrayal of the people and we will oppose such a bill. अगर ये CBI लोकपाल के दायरे में होता तो आज पी चिदंबरम जेल में होता. आप लोग भ्रष्ट मंत्रों को संभाल रहे हैं. अब बोले सत्य लोकपाल है. क्या सत्य लोकपाल है? सीबीआई बाहर रखा तो ये एक सामान्य आदमी उसको रेशन कार्ड निकालना है पासपोर्ट निकालना है तो इतना चक्कर काटेगा? ये कौन सा सशक्त लोकपाल है? ये तो बिल्कुल जनता की दिशा बोल करने वाला. Joining us in the studio for a discussion on the sticking points in the revised Lokpal Bill are A.P. Pandey, former Director of Punjab Vigilance Bureau, Rajan Kashyap, former Punjab Chief Secretary and Rahul Bhartia, member of Team Anna in Chandigarh. आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. राजन कश्यप जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी. नया लोकपाल बिल कल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा. नया बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा जो प्राइम मिनिस्टर को इसके एम्बिट के नीचे लाएगा मगर कुछ राइडर्स के साथ. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने दोनों बिल्स गंभीरता से पढ़े नहीं है जी. जो चर्चा अखबारों में या मीडिया में आई है उसके बेसिस पे जी मैं तो ये सोचता हूँ कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में सुप्रीम है. अगर चेंजेस है पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलके जो मैक्सिमम सपोर्ट होगा ये फैसला हो जाना चाहिए. राहुल, आप यहाँ पे टीम अन्ना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, आप इसके बारे में यहाँ पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? अभी तक जो बिल्स ये लेके आ रहे हैं और जो ड्राफ्ट आया है क्लियरली एक ही मैसेज दे रहा है कि आप खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा मुझे खाने में दाल चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, तो रेस्टोरेंट के उस वेटर ने बोला कि ठीक है सर, सब्जी वहां से मिलेगी, दाल वहां से मिलेगी, रोटी वहां से मिलेगी, आप लेके आइए, हमने आपको जगह दे दी खाने के लिए. तो आपने एक और खाने के बाद फूड कोर्ट में टर्न कर दिया है. और खाने के बाद अगर आपको किसी खाने में कोई समस्या दिखे तो कंप्लेंट भी आपने हमारे पास नहीं करनी है, आपको फिर वापस उसी के पास जाना है जहां से आप सब्जी या दाल या रोटी लेके आए थे. तो फाइनली हो सकता है एज एन इंडिविजुअल शायद सब्जी जो बन रही है वो अच्छी बनी हो या खराब बनी हो तो उसकी कंप्लेंट लेने के लिए आपको हर जगह पे भागना पड़ेगा. सो यू आर रनिंग ऑलवेज, इट्स नॉट लाइक कि आपको अंडर वन रूफ आपको सारी चीजों का हल मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट वी आर टोटली डिनाइंग, वी आर कंडेमिंग कि भी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अंडर वन रूफ. तभी जो हमने इंडिपेंडेंट लोकपाल की मांग की है वो इसीलिए की है कि एक आम आदमी जब किसी सी डी ए या बी क्लास ऑफिसर के पास जा रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर उसके पास कोई कंप्लेंट है तो वो एक अंडर वन रूफ उसको सोल्यूशन मिले, उसको अलग अलग जगह पर ना भागना पड़े जी. मिस्टर पांडे, आपसे जानना चाहूंगी, आपने राहुल की बात सुनी, टीम अन्ना जो चाह रही है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस लोकपाल बिल में उनकी जो बातें हैं वो उस हिसाब से नहीं रखी जाएंगी जिस हिसाब से वो चाहते थे, कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है. आपके हिसाब से आप क्या इनके साथ सहमत हैं? ऐसा है कि लोकपाल का कंसेप्ट आया भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगाने के लिए जी. और ये भी सत्य बात है कि इस समय भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में सरकारी मशीनरी में चरम सीमा पे है, नीचे से ऊपर तक मतलब इंतहा है. नीचे वाले भ्रष्ट हैं, ऊपर वाले भ्रष्ट हैं, कितने मंत्री बैठे हुए हैं जेल में और कितने जाने को तैयार हैं, कितने आईएएस अफसर बैठे हैं, कितने कौन बैठे हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे अधिकारी से लेकर नीचे अधिकारी तक
आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि क्लर्क के यहाँ 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, IAS अफसर के यहाँ इतनी मिली, IPS के अफसर के यहाँ 300 करोड़ की मिली। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसको रोकने के लिए जो आज तक तंत्र हैं, CVC भी अभी पीछे लाया गया, वो सारे फेल हो चुके हैं, नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे। तो एक नया तंत्र लाना है। वो भ्रष्टाचार है क्यों? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके और पॉलिटिशियंस करके। तो ये कंसेप्ट है कि लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो इस मुद्दे को, करप्शन के मुद्दे को देखे और चेक्स बैलेंसेस के साथ वो बनाई जाए और वो इस मुद्दे को टैकल करे जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो जी। अब जो प्रपोजल आ जाई है उसमें लोकपाल तो बना रहे हैं ना, उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है ना प्रोसिक्यूशन की पावर है। बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना प्रोसिक्यूशन के विंग के ऐसे उसको क्या, लोकपाल तो एक बॉडी होगी 4, 5, 8 की जो भी है, मतलब अंडर दैट वर्किंग समबडी टू इन्वेस्टिगेट। अब पुलिस यूनिट, लोकपाल पुलिस कह लीजिए, उसको कोई पुलिस कह लीजिए जो कि उसकी तफ्तीश करे जो कंप्लेंट उसके पास है, और देयर शुड बी प्रोसिक्यूटर अंडर जी। हम अभी जो CBI का इसमें जो मुद्दा है उसके ऊपर हम अभी आते हैं, मगर आपसे जानना चाहूंगी जो टीम अन्ना ने PM को पूरी तरह से इसके एम्बिट के नीचे लाने की बात कही थी वो कहीं ना कहीं मानी नहीं गई है, वो एक राइडर्स के साथ उनको इसके नीचे लाया जाएगा। आपके हिसाब से क्या उनकी ये मांग जायज है कि PM को पूरी तरह से इस एम्बिट के नीचे लेके आना चाहिए, या फिर जो एक्सेप्शंस हैं इस प्रपोज्ड बिल में वो रीजनेबल हैं? ऐसा है कि PM को इसमें आना चाहिए, भ्रष्टाचार करने का तो किसी को अख्तियार नहीं है। आज भी PM हर भ्रष्टाचार के नियम के अंडर है, इन्फोर्स नहीं हो रहा है जी। ही कैन बी हॉल्ड अप अंडर करप्शन एक्ट, ही कैन हॉल्ड अप अंडर IPC, ही इज नॉट इम्यून, बट वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है ड्यू टू अगेन पोलिटिकल थिंग, इफ एनी प्राइम मिनिस्टर इज करप्ट राइट। So, उसको आना तो चाहिए, बस थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि फ्रिवोलस चीजें ना हो, ये राइडर होना है। पर टोटली ऐसे राइडर कर दीजिए कि वो बात ही मर जाए, कि वो करता रहे करप्शन, वो 5 साल बाद उसको देखेंगे, वो करप्ट का एक लीडर बन जाए, करप्ट मंत्री उसका और सुपर लीडर, तो ही शुड बी अंडर करप्शन, ही इज स्टिल टूडे ही इज नॉट बींग एनफोर्स्ड राइट जी। राहुल, आप कहना इस वक्त केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की क्लीन इमेज को लेकर ये बातें कह रही है जी, लेकिन अगर हम पुराना इतिहास देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने इन्हीं इम्यूनिटीज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया था। सो दिस इज द रीजन टीम अन्ना इज डिमांडिंग कि चाहे कोई भी अधिकारी हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो एक डी क्लास ऑफिसर है, दे शुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम द करप्शन राइट। एक चेक्स होने चाहिए उनके ऊपर, पूरी एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए ताकि जब वो काम करे तो उनको अकाउंटेबिलिटी का मतलब याद रहे। अभी अकाउंटेबिलिटी का मतलब नहीं पता है। और एक और जो चीज हमें समझ आ रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इस पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों में से अपना विश्वास खो दिया है, लोगों ने बल्कि राजनीति में से विश्वास खो दिया है। अब ये क्या करते हैं, एक बिल्स लेके आइए जहां पर ये प्रोजेक्ट करते हैं कि दैट वी आर वर्किंग फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, बट जहां पर कोई एक बिल इफेक्टिवली इनको लगता है कि कुछ काम इनके खिलाफ करना शुरू करता है तो वो उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि RTI जी। तो अभी RTI में भी यही हो रहा है। सो हमारी तो रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं कि अगर टीम अन्ना के साथ लोग जुड़े हैं, इट्स नॉट कि भी हमने उनको किसी के खिलाफ बरगलाने के लिए खड़ा किया है, इट्स जस्ट बिकॉज कि लोगों ने उनमें अपना विश्वास खो दिया तो अपना विश्वास बनाना शुरू करें। चलिए हम यहीं पे एक कॉलर लेते हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं जी। आप हमें बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम प्रसन्न सिंह बोल रहे हैं, अमृतसर से। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो बहुत रौला पाया जा रहा है, हाँ जी, वो CBI को लोकपाल के दायरे में लाने का जी। बात ये है कि CBI ने और बड़े काम करने होते देश के लिए, बड़ी जांच करने होती है तरह तरह केसों की जी। वो एक एजेंसी है जो सरकार की, तो केवल जो भ्रष्टाचार के केसों की जांच नहीं, उनके ऊपर जिम्मेवार है वो और भी करते हैं। और दूसरी बात है जी कि सरकार ने जो कर रही है वो तकरीबन उसको करने दो एक बार। आपका कहना है कि जो इस बार सरकार कर रही है उसको करने दो, उसके बाद जो उसमें कमियां निकल के आएंगी वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। और आपको लगता है, तरसेम जी आप हमें ये बताइए, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं कि अगर इस बार ये बिल आ जाता है और इसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं तो हमें
44 ईयर्स हो गए हैं इसके लिए फाइट करते हुए, क्या हम तैयार हैं दोबारा से इतना लंबा समय इसके ऊपर अपना गवाने के लिए? नहीं, बात ये मैडम, ये बिल जो आ रहा है, जो टेलीविजन में उनकी आ रही है, जो बहस चल रही है, हम सुन रहे हैं 3-4 दिन से जी, वो ये आ रही है कि जो मसौदा तैयार किया गया लोकपाल का, उसमें कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है जितना रौला पाया जा रहा है अन्ना जी वालों और विरोधी दल वालों। चलिए त्रिसेन सिंह जी, आप अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब हम बात करेंगे टीम अन्ना की सीबीआई को लोकपाल के नीचे जो पूरी तरह से लाने की बात है उसके बारे में, मगर जो बिल है वो सीबीआई को लोकपाल के दायरे से बाहर रखता है। एक्सेप्ट ऑन केसेस विच आर रेफर टू इट बाय द लैटर, द लोकपाल विल हैव इट्स ओन विंग्स फॉर प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज एंड प्रोसिक्यूशन। क्या सीबीआई को लोकपाल के सबॉर्डिनेट के तौर पर काम करना चाहिए या फिर लोकपाल को सीबीआई के पास जाना चाहिए अगर कोई कहीं पे जांच या प्रूफ की जरूरत आ पड़े तो? ये जो सारा डिस्कशन है, मुझे तो कुछ मिसडायरेक्टेड सा लगता है, जो सीबीआई पे सारा उतर के आ गया और सारे सीबीआई अंदर रहे कि बाहर रहे कर रहे हैं जी। हमारे हिसाब से होना ये चाहिए कि सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है उसको, उसमें पुलिस अफसर ही होते चाहे नेहा खोल लें, सीबीआई को करप्शन केसेस इन्वेस्टिगेट करने से मुक्त कर दें। पार्शियली क्या मतलब कि सीबीआई शुड हैव नो ज्यूरिडिक्शन ऑन करप्शन केसेस, देयर शुड बी लोकपाल पुलिस, उसको जो नाम आप दीजिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकपाल दे शुड लुक आफ्टर करप्शन केसेस। दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। There are so many other things to do CBI. वो CBI करती रहे, कत्ल का केस, अरुषि का केस कर रही थी, इसका कर रही थी, उसका कर रही थी, करती रहे, बट करप्शन केसेस उसके पास न जाए। आज जो ये प्रपोज किए हैं कि जो आ जाएगा लोकपाल के पास वो लोकपाल उसको रेफर कर देगी CBI को, और CBI लोकपाल के अंडर नहीं है, तो लोकपाल CBI जैसे आज तक करप्शन केसेस थुथमुथ करती आ रही है, पोलिटिकल केसेस, वैसे करती रहेगी जी। जी राजन कृष्ण जी, आपसे पूछूंगी, शुड लोकपाल हैव द पावर्स या उसके पास ऐसे मींस होने चाहिए या ऐसे सोर्सेज होने चाहिए कि वो खुद ही केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके? मैं तो कहता हूँ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को आप स्ट्रेंथन करिए बजाय कि एक नई इंस्टीट्यूशन को आप सारी पावर्स दे दें जी, और उससे तो और भी प्रॉब्लम होगा। 20,000 मैंने अखबार में पढ़ा है, 20,000 एम्प्लॉइज होंगे जो नए लोकपाल के नीचे जी। अब लोकपाल में रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम होगा, कितने मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड क्लासेस के, और यहाँ पे भी तो पॉलिटिक्स ही आ गई।